पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे ओपीएम पोम्पिस्ट्रा के बारे में। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार ने चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अल्कलॉइड की उपज को बढ़ावा देने हेतु भारत की अफीम फसल से कंसेंट्रेटेड पोम्पिस्ट्रा का उत्पादन शुरू करने और कई देशों को निर्यात करने के लिए निजी क्षेत्रों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। चलिए जानते हैं पोम्पिस्ट्रा क्या है। अफीम को बीज कोष से निकाले जाने के बाद इसके खसखस को पोम्पिस्ट्रा कहा जाता है। इस पोम्पिस्ट्रा में बहुत कम मात्रा में मॉर्फिन सामग्री होती है और यदि पर्याप्त मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है तो ये अधिक मात्रा में मॉर्फिन का उत्सर्जन कर सकती हैं। पोम्पिस्ट्रा का भंडारण, बिक्री, उपयोग आदि राज्य सरकारों द्वारा स्टेट नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रूल्स के तहत विनियमित किया जाता है। किसान पोम्पिस्ट्रा को राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को बेचते हैं। अतिरिक्त पोम्पिस्ट्रा को वापस खेत में डाल दिया जाता है। पोम्पिस्ट्रा नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत मादक दवाओं में से एक है, इसीलिए बिना लाइसेंस या प्राधिकार के किसी भी स्थिति के उल्लंघन में पोम्पिस्ट्रा को रखने, बेचने, खरीदने या उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति NDPS अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी है। चलिए अब जानते हैं अल्कलॉइड्स क्या हैं। अल्कलॉइड्स प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों के विशाल समूह हैं जो कि नाइट्रोजन परमाणु से युक्त होते हैं। ये नाइट्रोजन परमाणु इन यौगिकों की क्षारीयता का कारण बनते हैं। सामान्यतः प्रचलित अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन, स्ट्राइकिन, क्विनिन, एफेड्रिन और निकोटीन शामिल हैं। अल्कलॉइड्स के औषधीय गुणों में काफ़ी विविधता होती है। मॉर्फिन दर्द में राहत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक शक्तिशाली मादक पदार्थ है, इसीलिए इसके नशे के गुण के कारण इसका सीमित उपयोग किया जाता है। HA क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।